बरमसिया शमशान घाट के बजाय सिहोडी शमशान घाट में कोविड से मृतकों के शवदाह करने के प्रशासन के निर्णय के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों तथा लोगों ने इस फैसले का कड़ा विरोध कर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। सिहोडी वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद अशोक कुमार राम, माले नेता राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा, पूर्व जीप सदस्य प्रमिला मेहरा समेत अन्य लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सिहोडी का शमशान घाट बहुत ही छोटा है, जिसमें सिहोडी, सिरसिया, गादी, पतारी इलाके के 25-30 मोहल्ले के मृतकों का शव जलाया जाता है। शमशान घाट से ठीक सटा हुआ एक स्कूल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है। वहीं सिहोडी बड़ी आबादी का क्षेत्र भी है, यहाँ कोरोना संक्रमितों के शवों को जलाना सुरक्षित नहीं रहेगा। विरोध करने वालों ने एकमत से कहा कि इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले स्थानीय लोगों की सहमति होनी जरूरी है। लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं और अचानक से इस निर्णय के बाद सामने आई है। हम किसी भी कीमत पर यहाँ कोरोना संक्रमितों के शव को जलाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। हम कोरोना से मरने वाले लोगों का भी पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की सुरक्षा के ख्याल से यह बिल्कुल गलत होगा। इसलिए सिहोडी शमशान घाट में इन शवों को जलाने के बजाय इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जानी जरूरी है। लोगों ने जिला प्रशासन से एक स्वर में इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बरमसिया समेत अन्य शमशान घाटों में विद्युत शवदाह गृह एवं उच्च चिमने युक्त शमशान शेड स्थापित करने तथा फिलहाल शहर से दूर किसी निर्जन इलाके में इसकी तात्कालिक व्यवस्था करने की मांग की है। अभी हम लोग सिहोडी शमशान घाट पर खड़े हैं, यह हम लोगों का शमशान घाट है। सिहोडी, सिरसिया, अभी तो पुराना दो पंचायत था और अभी कम से कम 15-20-25 टोले ऐसे हैं जहां का शव यहां पर ये उसको जलाया जाता है। अभी लोगों को पता चला, इसलिए पूरा गहमागहमी है, पूरा लोग चर्चा कर रहे हैं कि पता चला है कि गिरिडीह के बरमसिया शमशान घाट के बजाय कोविड से जिनकी मौत होगी उनको यहां जलाने का कोई निर्णय प्रशासन से लिया है। सबसे पहला बात तो यह भी, एक निगम क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है, निगम क्षेत्र के एक जगह से हटा करके दूसरे जगह उसको शिफ्ट करने का ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा, और इस निर्णय को लेने से पहले यहाँ के लोगों का भी कोई राय इसमें महत्वपूर्ण होता है नियमतः, वो भी यहाँ कोई जानकारी नहीं दिया गया। वार्ड में वार्ड कमिश्नर भी बता रहे हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है और भी लोग बता रहे हैं कोई जानकारी नहीं है। तो हमारा प्रशासन से विनम्र आग्रह होगा कि इस तरह का कोई अगर वो निर्णय लिए हैं तो कृपया उस निर्णय को वो वापस लें, और अगर इसका कोई विकल्प अगर कोई दूसरा तलाशना है तो सब मिल बैठ करके बात करें। नगर निगम के बॉडी है, नगर निगम में इस पर पूरी बात हो, और हमें लगता है कि इसका सबसे बेहतर जो विकल्प अगर है हमारे नज़र से वो ये है कि जो नगर निगम क्षेत्र के जहाँ जहाँ भी शमशान घाट पहले से हैं वहाँ पर विद्युत शवदाह गृह या जो भी अत्याधुनिक तरीके से, आप एक रांची उदाहरण देख सकते हैं, हरमू बिल्कुल पाउश इलाके में वो शमशान घाट है, तो ऐसा तो नहीं कि हरमू में लाश नहीं जलता, हरमू में पूरी आबादी अगल बगल रहती है, तो हम एक उदाहरण भी हम देना चाहते हैं। तो इसलिए अगर जहाँ भी शमशान घाट पहले से, चाहे बरमसिया हो, जहाँ भी हो, हर जगह वो अत्याधुनिक जो शवदाह करने का जो ये है उसको बैठाया जाए, और यहाँ इस तरह का जो निर्णय लिया गया है, सामने देखिए खड़े यहाँ स्कूल है, पीछे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सब इससे डिस्टर्ब होगा, अगल बगल कई खटाल है, सारे माल मवेशी यहीं धोता है लोग, इस जगह लोग ऐसे भी लोग आते रहते हैं पानी का उपयोग करने के लिए, यह निर्णय कहीं से भी उचित नहीं है। हम पूरा यहाँ सिहोडी, सिरसिया और अगल बगल के हजारों लोगों का जो ये भावना है हम उसके साथ हैं। प्रशासन से आग्रह है कि अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो कृपया उसको वो वापस लें। कोई गार्ड लेन यहाँ पर नहीं था, आज यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी कल पहुँचे थे, लेकिन उनका कहना था कि ना हर शमशान घाट में हम चाहते हैं कि साफ़ सफाई हो और ढंग तरीका से यहाँ पर अंतिम संस्कार हो। तो हम लोग सोचे, हम लोग लोकल बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार के विषय में कहा जा रहा है तो चलिए बहुत अच्छा है, अच्छा गार्ड लेन है, लेकिन आज चूँकि फेसबुक में जब पढ़े देखे या टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग को पता चला कि नहीं, जो कोविड का जो जिसका मृत्यु होता था पहले वो मरवाड़ी शमशान घाट में जलाया जाता था, आज वहाँ पर स्वतः ख़त्म करके टोटल बॉडी को ले आकर के सिहोडी शमशान घाट में अगर जलाने का ये लोग जो चयनित किया है तो इसका हम घोर निंदा करते हैं। चूँकि सिहोडी घाट एक छोटा सा घाट हम लोग का है, जो लगभग यहाँ पर कम से कम 20 जो छोटे छोटे कस्बा जो हम लोग को जो जगह है उससे टोला जो है उस टोला से जहाँ लाश आता है, जो हम लोग को जिस दिन 3-4 लाश आ जाता है उस दिन हम लोग खुद सोचने बिंदु बन जाता है कि हम लोग कहाँ जलाएं और कहाँ ना जलाएं। वैसे परिस्थिति में अगर बाहरी से अगर वो कोविड वाला लाश आने लगेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम लोग के लिए एक समस्या खड़ा होगा, और खड़ा ही नहीं होगा बल्कि देखिए बगल में हमारा यहाँ स्कूल है, इसके बगल में हमारा पानी का टैंकी बनाया जा रहा है, जो यहाँ के नदी का ही पानी से हम लोग का ही सारा गाँव का लोग।